और भी पेपर्स आते हैं, एक पेपर से कुछ नहीं होता है। दो तीन में डाइवोर्स का ये कर लिया बस, कोई डाइवोर्स नहीं होगा यहाँ पे कि मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे। तुम वही राधिका वही वाला नहीं, मैं नहीं। जब आप मेरा हाल ऐसा करोगे तो मैं क्यों नहीं। चलो वो गलती से सो गई थी, ये एक इन, इन, इन इनकी आंखों में क्या कुछ गिरा हुआ था, जाके गोद में सर रख रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो के दवाई दे रही है, जाके मारती है मेरी दवाई दे रही, वो दवाई दे रही है, ये तो संस्कार नहीं दिए ना। क्या बोलूं मैं आपको। सो हेलो गाइस, तो कैसे आपसे भाई, होप कि आपसे अच्छे होंगे। और आप लोग ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये पेपर है, और मैं आई हूँ आज समर के घर पे। और आपको पता ही क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़े दिनों से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और ये जो पेपर देख रहे हो आप लोग, इस पे लेने समर के साइन, और बस अब सब खत्म करना है बस। A few moments later. आ जाए तो बात करेंगे। हाँ नहीं, हाँ जी, नमस्ते पापा, नमस्कार, क्या हाल है और कैसी हो? बढ़िया। क्या हो गया, क्यों बात करने के लिए आप लोग बुलाए? कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरी बेटी कुछ चाहती है तेरे से। बोलो क्या बोलना है। ऐसा है कि देखो, तुम्हें तो उसके साथ ही रहना है यार। मैंने ऐसा कब बोला तुम्हें कि मुझे उसके साथ रहना है? ऐसा है कि अब ये रिश्ता है ना, ज्यादा चलने वाला तो है नहीं। मैं ही नहीं चलाना चाहती अब। क्यों? मैं नहीं चलाना चाहती बस। रीजन भाई, मैं नहीं रह सकती ऐसे। क्या ये मैं नहीं रह सकती ऐसे, ठीक है? बात ऐसी है, तुम उसके साथ ही रहो। क्या है फिर? क्या है फिर? मेरे को बस डिवोर्स चाहिए। पागल वागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इतनी सी बात पे तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हाँ पापा, आप तो समझदार हो, आप तो समझाओ। नहीं मैं, पापा क्या कहेंगे मेरे? जुम्मा 8 दिन हुआ शादी हुई, जिसको तो जिसको रहने है, वो है ना? जिसको रहने है वो बता रही है, मेरे पापा क्या करेंगे इसमें? हाँ, बता क्या बता रही है वो आपको? आपके सामने तो बोल रही है, क्या बता रही है? ये खुद मजबूर हो गई है बेटा। क्या मजबूर हो गई है? ऐसी क्या बात आ गई? ऐसी क्या बात आ गई? अच्छा आपको कोई बात नहीं लगती है? पति पति बैठा है दूसरे की गोद में सर रख के, तो उसके लिए तो मैं बोला दूसरे की गोद में सर रख के, दूसरे गोद में सर रख के प्लस उसके पास जाके लेट जाए, सब कुछ कर ले, और दिक्कत कहाँ आ जाएगी अब? मैं क्या बोला, समझ नहीं आ रही है बात? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सुनना किसी का। भूल जाओ, खत्म करो। मैं क्यों भूल जाऊँ? हर बार भूल जाऊंगी, इसीलिए शादी की है क्या मैंने? कब तक भूलती रहूंगी? कब तक भूलना है बेटा? हर टाइम भूल जाओ, तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ। आपके कहने पे, गुनगुन के कहने पे, आपकी मम्मा के कहने पे, उन सब से मैंने बात की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं लेके जाएंगे। समझा रहे हैं ना, जाएगी वो अपने ससुराली। पापा हर बार का ड्रामा है, मेरे पास यही काम रह गया, वो 36 बार घर पे आएगी, मैं 36 बार उसे निकालती रहूं, मैं 36 बार अपने घर जाती रहूं। क्या हो क्या? जिंदगी भर ऐसा ड्रामा देखूंगी क्या मैं? आप तो समझ रखते हैं। तो डाइवोर्स सॉल्यूशन है? हाँ सॉल्यूशन है। और क्या सॉल्यूशन है? अपनी बेटी को अपने घर रहो, जो ड्रामा करना है वो करो। मैं अपनी बच्ची को अपने घर रख लूं, ये सलूशन है बेटा? समझ नहीं आ रहा मुझे, समझ लो पेपर क्या है ये? बस फाइनल है, मुझे नहीं पता क्यों कर रही हो खामखाई। तुम्हारा ना दिमाग हो गया खराब, पेपर वेपर लेके आने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो आप ये? और भी पेपर्स आते हैं, एक पेपर से कुछ नहीं होता। दो तीन में डाइवोर्स का ये कर लिया बस, कोई डाइवोर्स नहीं होगा यहाँ पे। और भी पेपर से, एक ही पेपर नहीं है, एक पेपर फाड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक करना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते रिश्ता खराब, हम नहीं चाहते। मैं उसके ससुराल वाले से बात करके उसको भेजना चाहता हूँ। बस इनका यही काम रहता है, आती है बस समझा के भेजना होता है, भेजना नहीं होता अभी तक। तो तुम रहो ना यहाँ पे। क्यों रहूं? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो आप? मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि रहो? क्या उसका गुनगुन से काम नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हो मेरी बेटी को रहने के लिए? जाओ मम्मी को, मम्मी मम्मी गुनगुन को जाने दे देते, गुनगुन के रिश्तेदार उसको लेके नहीं जा रहे, तेरे को ये छोड़ते नहीं। अरे इनको भेजना ही नहीं है, ये लोग डाइवोर्स पेपर लेके। मम्मी नमस्ते। ये क्या, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी इतनी जल्दबाजी। मम्मी देखो अब बहुत हो गया है, ठीक है? मैंने बहुत सह लिया, मुझे नहीं रहना बस अब। उम्मीद तो बहन जी मुझे भी नहीं थी बेटा, इतने समझदार हो। नहीं मैं सारी समझदारी क्या मैं ही दिखाती रहूं क्या? आप खुद बताएं ना, हर बार देखती रहूंगी पति यहाँ लेट रहा है, वहाँ लेट रहा है, यही काम रह गया क्या मेरे पास शादी के बाद? एक सी वाइफ ने एक इसको चौकीदार मिल गया कि चेक। और आप कहती रहती हो बस तू देखती रह, तू देखती रह, तू देखती। मैं, मेरे पास यही काम रह गया, मैं देखती रहूं बस हमेशा। जल्दी क्या, मैं बस अब जल्दी, जैसे तुमने ले लिया जल्दी, ये जल्दी क्या है? जैसे तुमने बिठा लिया उसको शादी करने के बाद भी, तुम मुझे बोल रहे हो ना कि तुम अपने घर में आके रहो, तो तुम उसे क्यों नहीं भेज रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारी रिश्तेदार लग रही है। अरे उसके घर वालों से ही तो बात कर रहे हैं,
तो एक बात बताओ ना। अच्छा आप बताओ, एक बार पापा को मैंने ऑप्शन तो दिया कि आप राधिका को यहाँ भेज दो, और जब तक उसके ससुराल वाले नहीं मानते तुम्हारे घर पे जाके वो क्यों रहेगी? मेरे घर पे जाके हमारी रिश्तेदार है क्या? हम नहीं रख रहे। चलो रह लेंगे, इस सलूशन का यही समाधान है। अरे तो फिर बात करके पापा दो बहाने लगाई फिर यही आएगी। वो यूँ कह रही है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी। तू घर चली जा, मैं क्लियर बात करके खत्म करनी है बात। देखो एक बात बताओ, उनके घर वालों ने जो किया, गुनगुन के घर वालों ने, हमने ये सब देखते हुए काम किया था ना, आप मुझे बताओ तो सही। समझाई थी ये चीज आपके सामने, या आपने भी बोला था, मैंने भी बोला, फिर बताओ आप मेरे को। आपके कहने पे ध्रुव के समर के कहने पे ध्रुव से बात की, ध्रुव की मम्मी से बात की, उन्होंने दोनों ने साफ मना कर दिया हम इस लड़की को नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है जिसका इसका जितना मन कर रहा कर ले, ये आप बन के जिस दिन आएगी हमारे यहाँ तब मेरे मम्मी मम्मी एक बात सुनो, आप जो हमें समझा रहे हो ना, आप इनको समझाओ ना। बेटा मैंने क्या समझाया? आप इनको समझाओ ना, मेरे को ये बता, मैंने समझाया नहीं होगा? आप हर बार मेरे को ही समझाती रहती हो, इनको भी तो समझाओ जो चिपकता है। मैंने नहीं समझाया क्या, ये बता दो। मुझे क्या पता, मैं तो खुद नहीं हूँ यहाँ पे। समझाया, इसने समझाया, मेरी बेटी ने समझाया, मैंने समझाया, वो हम चारों को समझा रही है बैठ के। ये हो क्या रहा है? आज उसे हमने ससुराल वालों को समझा दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। एक लड़की ने सारी आफत कर रखी है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी बुरी हालत कर दी है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। मैं भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, आप समझाओ। ये भी इनकी मर्जी चलेगी, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं आऊंगी फिर, कि मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे। तुम वही राधिका वही वाला हाल नहीं, मैं नहीं। जब आप मेरा हाल ऐसा करोगे तो मैं क्यों नहीं? तो मैं कर रही हूँ हाल। मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। आपके बेटे को कल नहीं है क्या? सोचने वाली बात है ना बहन जी, शादी हुई तुम्हारे दोनों की, इतनी अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इतनी बातचीत नहीं हुई है। मम्मी किस बात की अंडरस्टैंडिंग, किस बात की, किस बात की? मैं छोड़ के गई थी, अच्छा भला छोड़ के गई थी ना तुम लोगों को मैं। तो आपका बेटा ही लेके आया उसको, आपके बेटे ने रखा उसे? मैंने तो नहीं रखा। तो तुम मना तो कर सकती थी। मना कितना मना करूँ, कोई सुनता है क्या मेरी? इसका और उसका जो रिश्ता हमने बनाया ना, हमने बनाया, वो कैसा बनाया आप खुद बताइए ना बहन जी। बताओ क्या करें, लेकिन देखो मैं तो तलाक की तो कहूँगी नहीं, कोई तलाक का भी इसका सलूशन तो है नहीं, कोई हंसी मजाक तो हो नहीं रहा कि जरा कोई बात हुई फट से तलाक। नहीं मम्मी बहुत हो गया, 5-6 नहीं अब नहीं। अब ये देखिए ना कितने दिन हो गए, कुछ तो लिमिट होगी हर काम की। चलो वो गलती से सो गई थी, ये एक इन, इन, इन इनकी आंखों में क्या कुछ गिरा हुआ था, जाके गोद में सर रख रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो के दवाई दे रही है, जाके मारती है मेरी दवाई दे रही, वो दवाई दे रही है। तो संस्कार नहीं दिए ना, क्या बोलूं मैं आपको। देखो अपना घर जब बचाना होता है ना तो ऊपर होना भी पड़ता है। मैं मानता हूं आपकी बात, ठीक है, ये कई बार संस्कार से भी ऊपर जाना पड़ता है, और वो भी अपना घर बचाने के लिए, हर वक्त देवी बन के नहीं बैठे रहोगे। मुझे मालूम नहीं था कि जिसको अपनी बेटी माना, जिसको अपने बेटी के लिए सारे काम किए, वही मेरी बेटी का घर खराब कर देगी। नहीं मैं तो बल्कि इन बच्चों इन सबकी राजी से सब काम हुए, और उनके बीच में हम लोग तुम लोग फंस रहे हैं बस। गलती कहीं नहीं, गलती आपकी बेटी की, आपके बेटे की, आप चाहे मानो या नहीं मानो, है मेरा बेटा भी। चलो ठीक है मेरे बेटे की गलती है, लेकिन इसका ये सोल्यूशन है बता दो ना मेरे को, ये डिवोर्स सोल्यूशन है इसका। अच्छा आप बताओ, मैं अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट के यहाँ रहने दूं, मन जाने दूं यहाँ पे, मैं छोड़ के? ठीक है अभी मत छोड़ो, मैं यहीं हूँ, जब बिल्कुल मामला ठंडा हो जाएगा तब आ जाएगी। ये बातें मत करो, ये इस चीज की, ये मामला बहन जी ठंडा होने वाला नहीं है और गर्म होने वाला। देखो थोड़ा ठंडा हो जाए तो मामले में कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। चलो देखते हैं, वेट करते हैं उस बात का, फिर इतनी जल्दी हर चीज नहीं होती ना। चलो बेटा चलो। अच्छा बहन जी।